हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तीन शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के अहाते में जय श्री राम के नारे लगाए। वाक़े के बाद वहां मौजूद आवाम में सनसनी फैल गई और दो शरपसंदों को पुलिस ने तहवील में ले लिया जबकि एक शरपसंद फरार हो गया। बताया जाता है कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाला वेंकट और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला अनमोल एक और साथी विशाल के साथ सयाहों की तरह मक्का मस्जिद में कल शाम दाखिल हुए और अहाते में घूमने के बाद मगरिब की नमाज के फौरी बाद जय श्री राम के मुतनाज़ी नारे लगाने शुरू कर दिए। मस्जिद में सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस अमले ने उन्हें फौरी हिरासत में ले लिया जबकि विशाल वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के बाद तारीखी मक्का मस्जिद को पुलिस ने अपने मुहासिर में ले लिया और वहां पर तलाशी ली गई। हुसैन आलम इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि विशाल के मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन में जय श्री राम के नारे थे और फ़ोन बजने पर जय श्री राम के नारे शुरू हो गए। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद ऐनी शाहिदी ने कहा कि तीनों शरपसंदों ने मुनज़्ज़म तौर पर मुतनाज़ी नारेबाजी की। पुलिस ने ज़िमन में मक्का मस्जिद के अहाते में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हासिल कर रही है और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। पता चला है कि इश्तियालंगेज नारे के बाद फरार होने वाला एक और मुशतबा शरपसंद विशाल साबिक़ में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में काम किया करता था। इस वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई है और मक्का मस्जिद और अतराफ के इलाकों में इजाफी दस्तों को भी मुतायुन कर दिया गया। इनके सेलफोन में रिंगटोन है जय श्री राम का और जो है वो बजने की वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाए बोल करके। तो मैं बोला कोई केस वगैरह रजिस्टर कर लेगा, तो जो है इंस्पेक्टर साहब बोले कि साहब रिंगटोन तो के ऊपर अपन केस रजिस्टर नहीं कर सकते साहब, अगर वो लोग बोले हैं बोल के मालूम हुआ तो उसके बाद में फिर इंस्पेक्टर भी हमारे सीसीटीवी कैमरा चेक करे, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी आ गए, हम भी बैठ करके पूरे जो है वो चेक करें, तो ऐसा कोई वो नहीं दिख रहा, लेकिन अभी भी जो है पुलिस स्टेशन में वो लोग मौजूद है। आपकी तरफ से कुछ कंप्लेन दी गई यहाँ पर? अभी तक के कंप्लेन देने की जरूरत नहीं पड़ी, इस बात है कि कंफर्म नहीं हुआ कि वेदर दे रेज दिस स्लोगन और नॉट। अगर रिंगटोन बजा है उसके ऊपर अगर वो वाकया हुआ है तो जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसा पकड़ के लेके आके जैसा बोल रहे वो लोग, हो सकता है कि रिंगटोन को ही वो लोग पुकारे बोल करके समझे हो, तो जो है अभी उसका कोई कंफर्म नहीं हुआ और इंस्पेक्टर हुसैन आलम उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो है वो लोग इंट्रोगेशन जारी है, इंस्पेक्टर अभी रात के तकरीबन 11:15 हो गए, अभी तक के चल बैठे हुए हैं वो इंस्पेक्टर साहब भी और वो पूरे हमारे प्रेस रिपोर्टर्स भी हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो लोग सब पूरे के पूरे वो जो है कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी है अल्लाह महफूज रखे, ये कोई जो है अच्छी बात नहीं है, मगर ये ऐसा इम्कान है कि वो लोग बहुत पीसफुल नज़र आ रहे हैं हमारे को, जब हम सीसीटीवी कैमरास चेक करें तो जो अगर प्री प्लान होता तो वो लोग जो है ऐसा इत्मीनान से नहीं बैठते थे, वो लगा खड़े बैठे भी छे जब